जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक 7 सालों तक 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मनसा देखना चाहता हूं। अभी पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने उस परीक्षा में भाग लिया और कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाने का काम किया, कुछ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक हो गया, और जैसे ही मुकदमा हुआ उसकी सारी जांच करवाई गई तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अब पीसीएस की परीक्षा भी टाल दीजिए, आने वाली परीक्षा भी टाल दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो रही है? जबकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों का किसी भी कीमत पर